Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Welcome back to yet another vlog. Today is Sunday the 12th of March and aaj main kafi time ke baad vlog kar rahi hu because I have a lot of interesting things planned today. To maine socha might as well take you guys along kyunki main waise to sit down video shoot kar nahi pa rahi hu aajkal and vlogging would be a good option to you know be consistent to show up in front of you guys regularly and also to share you know the bits and pieces of my life. So yes, that's what we are going to do today. And you can see my skin has been breaking out lately. I have like 1, 2, 3, and 4 breakouts because jab se office start kiya hai, like it has been a lot of stress. Like pata nahi kyun office mein kafi zyada maza aa raha hai, not a lot of work to do abhi. But I think I'm not a person जो ऐसा free बैठ के you know enjoy कर पाए. I really hate sitting idle and I don't have a lot to do in office, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत bore हो जाती हूँ and then I get really irritated after a point. So that's that, and because of that मैं shoot भी नहीं कर पाती हूँ because obviously office में तो I can't shoot, वहाँ पर तो photo भी खींचना allowed नहीं है. So then रात में आके मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ but I try to shoot at least short form content रात में. Long form नहीं हो पाता है because I am also very tired and also then others are also sleeping. अब मेरी एक की वजह से मैं बाकी सबकी नींद नहीं ख़राब कर सकती हूँ. So yeah, that's the life update a little bit here and there. I'll share in the vlog today itself. But yeah, also मुझे इतने सारे DMs आने लग गए थे about the giveaways. मैंने अनाउंस कर दिए थे विनर्स आई थिंक 1 or 2 weeks बैक एंड उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला टू डिस्पैच द प्रोडक्ट्स एंड टुडे फाइनली आई हैव यू नो स्केड्यूल द पिकअप. कल रात को मैंने स्केड्यूल कर दिया था, अभी वो आएंगे पिकअप के लिए. सो या आई एम लुकिंग हॉरिबल एट द मोमेंट बट मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी थी एंड माय मॉम एंड डैड हैव गॉन टू माय होम टाउन अगैन. आई थिंक उनको कुछ वीक्स तक तो हर वीकेंड जाना पड़ेगा. सो या दो दिन वी आर ऑल ऑन आर ओन. सो या वी हैव टू मेंटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑफिस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, होम. या सो दैट्स द अपडेट. नाउ आई एम गोना गो कुक ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ एंड माई ब्रदर जो कि अभी तक सो रखा है एंड देन विल रोल ऑन विद द प्लान फॉर टुडे. So the giveaway gifts are dispatched, thank God, finally. Like it is a relief. बहुत ज़्यादा late हो गया था and I was feeling very bad about it. And my breakfast is also ready and meanwhile मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है and while my moisturizer was sinking into my skin मैंने अपना breakfast भी बना लिया and now it's time for sunscreen. So अभी आजकल मैं ये वाला sunscreen use कर रही हूँ, अर्थ रिदम का daily defense SPF 30. इनका एक अल्ट्रा डिफेंस भी आता है, आई थिंक दैट इज़ SPF 50 एंड दिस इज़ अ रियली गुड सनस्क्रीन. फर्स्ट ऑफ ऑल द पैकेजिंग इज़ सो गुड. इन्होंने अभी चेंज करी अपनी पैकेजिंग एंड इट इज़ ब्यूटिफुल द कलर एंड इट इज़ अ मैट फिनिश एंड या आई रियली रियली लाइक इट. सो इट इज़ अ हाइब्रिड सनस्क्रीन, सो लाइक मिक्सचर है केमिकल एंड फिजिकल सनस्क्रीन का एंड यू कैन सी इट इज़ सच अ गुड टेक्स्चर्ड सनस्क्रीन. बहुत अच्छे से स्किन में सिंक इन हो जाती है और देखो बिल्कुल वाइट कर्स नहीं छोड़ती है. इनफैक्ट आई एम लाइक अ डस्की स्किन टोन, तो अगर हल्का भी वाइट कास्ट होता है तो मेरी स्किन पे दिखने लगता है. सो या आई रियली रियली लाइक यूजिंग दिस सनस्क्रीन एंड क्योंकि इसमें SPF 30 है एंड अभी मैं घर पे हूँ सो आई लाइक यूजिंग दिस वन. मैं 3 finger rule अप्लाई करती हूँ एंड देन आई विल अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस एंड माई नेक. सो या आई रियली 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 इन्जॉय यूजिंग दिस सनस्क्रीन. काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी है, तो अगर आप ऑयली स्किन टाइप हो एंड यू डोंट वॉन्ट टू यूज मॉइस्चराइजर ड्यूरिंग द डे तो आप स्किप कर सकते हो मॉइस्चराइजर को एंड यू कैन अप्लाई दिस सनस्क्रीन. इनफैक्ट आजकल जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो ऑफिस में मोस्टली आई एम इंडोर्स ओनली, मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ. सो SPF 30 इज़ गुड फॉर दैट. सो मैं इस सनस्क्रीन को कभी कभी कैरी कर लेती हूँ टू रीअप्लाई एंड अच्छे से एकदम से ना मेरी स्किन को हाइड्रेट भी कर देता है एंड इट प्रोटेक्ट्स ऑल्सो. सो येस आई रियली लाइक इट. सो ये रिटेल करती है 50 ml है एंड दिस रिटेल्स फॉर 675 rupees विच इज़ गुड एंड देन इट इज़ UVA UVB प्रोटेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम PA++++. ऑल इन ऑल इट इज़ अ गुड सनस्क्रीन. सो येस इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ गुड सनस्क्रीन आप इसको चेकआउट कर सकते हो, यू नो इनडोर्स के लिए
बट जब मैं बाहर जाती हूँ देन आई यूज़ द SPF 51, तो इनका SPF 50 भी आता है, दैट इज़ कॉल्ड द अल्ट्रा डिफेंस SPF 50। एंड अभी इनकी वेबसाइट पे ना आई थिंक बाय वन गेट वन सेल भी चल रहा है, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। सो ऑफर पे भी चल रही है, एंड देन देर इज़ अ बाय वन गेट वन ऑल्सो, सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, एंड इट इज़ अ गुड सनस्क्रीन टू गेट योर हैंड्स ऑन। सो येस, आई लिंक इट डाउन बिलो। नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट एंड देन आई हैव अ फ्यू शूट्स टू कम्प्लीट, उसके बाद आई विल टेल यू वेयर वी आर गोइंग टुडे। सो आई जस्ट फिनिश शूटिंग हाफ ऑफ माई कॉन्टेंट अभी, मतलब कि प्लान बना रखा है कि अब भी सारा कंप्लीट करूँगी पूरे नेक्स्ट वीक के लिए, ताकि ऑफिस में स्ट्रेस ना हो मुझे कि शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा। लुक एट ऑल द मेस दैट आई हैव क्रिएटेड हियर। कंपेरेटिवली आज काफ़ी कम गंदगी फैलाई है मैंने, बट देन या अभी मेरा आधे शूट कंप्लीट हो गए हैं एंड आई क्रिएटेड दिस लुक, लाइक वेरी वेरी सिंपल लुक यूजिंग वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, तो वो सारे तो मैं शॉर्ट्स पे डालूंगी ही। एंड देन अभी जो बचे हुए शूट्स हैं वो मैं आने के बाद करूंगी, क्योंकि अभी बच चुके हैं 12:30 एंड आई हैव बीन शूटिंग फॉर अबाउट 2 to 3 hours नाउ, एंड अभी आई हैव टू लीव बिकॉज आई एम गेटिंग माई मैकबुक, लाइक न्यू लैपटॉप। आई एम सुपर एक्साइटेड। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने काफ़ी बार ये चीज़ मैंशन की है कि मेरे इस मैकबुक की हालत बर्बाद हो चुकी है, लाइक इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट टू एडिट इन दिस नाउ। ये कभी भी हैंग हो जाता है, कभी भी क्रैश कर जाता है, कभी भी बंद हो जाता है, तो जिस काम को मुझे 1 घंटा लगना चाहिए उस काम में लिटरली, मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ, 4-5 घंटे लग जाते हैं। एंड आई हैव बीन वांटिंग टू गेट अ न्यू लैपटॉप सिंस सो लॉन्ग, बट मुझे मैकबुक ही चाहिए था बिकॉज मैं 4-5 साल से मैक यूज़ कर रही हूँ। ये एक्चुअली मेरे पापा का लैपटॉप था एंड देन ही डिडंट यूज इट मच, सो मैंने ले लिया था ये जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। एंड देन नाउ आई एम एडिक्टेड टू मैकबुक, लाइक वीडियो एडिटिंग इज सुपर ईजी इफ यू यूजिंग अ मैकबुक। आई वॉन्टेड अ न्यू मैकबुक ओनली, बट मैकबुक ऑब्वियसली इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इस बार मुझे एयर नहीं चाहिए था बिकॉज एनी वेज मैं बार बार जाके तो अपना लैपटॉप चेंज नहीं करती रहूँगी, तो आई रियली वॉन्टेड टू बाई मैकबुक प्रो एंड मेरे पापा मुझे कह रहे थे कि वो मुझे दिला देंगे, बट I don't know, but for some reason I did not want him to buy me my new laptop. I wanted to buy it myself this time, और इसीलिए मैं इतने टाइम से इसको डिले किए जा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि YouTube वगैरह से एक बार अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तब मैं लैपटॉप लूँगी, बट दैट इज़ फार फार अवे एंड अब ये लैपटॉप वहाँ तक तो नहीं चल पाएगा। सो या आई वॉज सेविंग अप सिंस अबाउट an year and a half and finally I can afford a MacBook and kal main jaake kafi sare different stores pe prices पूछ के आई थी सो दैट आई कुड कंपेयर एंड यू नो आई वुड नो कि कहाँ से लेने में मेरे को ज़्यादा फ़ायदा पड़ेगा। सो या दैट इज़ ऑल डन। इनफैक्ट मेरे पापा के एक फ्रेंड जापान से वापस आ रहे थे, तो पहले मैंने सोचा था मैं वहाँ से लैपटॉप मंगवा लूँगी बिकॉज वहाँ पे यहाँ के कंपेरिजन में काफ़ी चीप मिल जाता है, बट जैसे कि कल मैंने अपना रिसर्च करना शुरू किया था तो मैंने देखा कि इधर क्रोमा पे होली की सेल चल रही है अभी फ़िलहाल, आई थिंक आज ख़त्म हो जाएगी, तो वो सेल का जो डिस्काउंट है वो मिला के मुझे जो जापान का प्राइस है उससे भी कम में मिल रहा था। सो आई वॉज लाइक माइट इज वेल गो एंड गेट इट माई सेल्फ। सो येस, दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू डू टुडे एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड। अब आप लोगों को फटाफट कॉन्टेंट मिलेगा बिकॉज एडिटिंग की वजह से मेरा जितना कॉन्टेंट लेट हुआ है ना, आई कॉन्ट इवन टेल यू गाइज। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं कितनी बार ये स्टोरी डालती थी कि माई लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग सो आई कॉन्ट पोस्ट अ वीडियो टुडे एंड ऑल दैट, बट या दैट इज़ गन बी सॉल्व नाउ एंड आई एम सुपर हैप्पी। दिस इज़ गन बी माई फर्स्ट सच एन एक्सपेंसिव परचेज एंड मुझे पता है मैंने कैसे सेव किया है इसके लिए, सो आई एम सुपर एक्साइटेड राइट नाउ एंड आई एम जस्ट ब्लैबरिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो या I'll just stop blabbering now and just get ready to go and then we'll move out and I'll take you guys along. तो अभी फाइनली मैं इंद्रपुरम पहुंच गई हूँ, जो कि प्लान्ड था भी और नहीं भी था एक्चुअली। यहाँ पे भी 2 stores हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार हम लोग यहाँ पे भी पूछ लेते हैं, व्हाट इफ मुझे यहाँ पे बेटर प्राइस मिल जाए। तो वहाँ पे हम लोग प्राइस चेक करने आए एंड ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे मैं पहले रहती थी, तो देर इज़ अ चाइनीज़ फूड कॉर्नर जहाँ का चाइनीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वी डोंट मिस इवन अ सिंगल चांस टू ईट आउट देयर। सो अभी मैं वही करूँगी, लेट्स सी इफ आई गेट अ बेटर प्राइस हियर और नॉट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ का चाइनीज़ हमारा फेवरेट है, लाइक हम लोग बचपन से यहाँ पे रहते हैं एंड वी डू नॉट मिस इवन अ सिंगल चांस टू कम हियर एंड ईट। वी लव दिस प्लेस सो डैम मच।
It is very very affordable also, and the taste is like unbeatable. मैंने बहुत जगह Chinese खाया, like Chinese is my favorite cuisine, and I mean it when I say that every place I go, I try the Chinese out there. But यहाँ का Chinese अभी तक is the number one on my list. मेरे घर से थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, like about 30-40 minutes लग जाता है आने में, but still we do not miss a chance to come and meet you. And हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे stores हैं तो उधर भी पूछ लेंगे, you know the pricing difference. But मेरे घर के पास में जो Croma है वहाँ पे I am getting the best deal, so वापस वहीं जाना पड़ेगा लेने के लिए. But anyways, I do not mind coming here just to eat the Chinese also. तो अभी मैं खाना खाऊंगी यहाँ पे, and then we'll go back to our area to get my laptop. So थोड़ा देर का और wait है, मुझसे वेट हो नहीं रहा है. वेरी वेरी एक्साइटेड टू बाय माय न्यू लैपटॉप. बट यहाँ भी यहाँ पे हम चाइनीज खा लेते हैं, देन वी गो. But now I am broke, like literally broke. But anyways, I'm very very happy. It's kind of an investment. अभी अच्छी अच्छी सी videos आएंगी, editing वगैरह का process भी fast हो जाएगा. So I'm very very happy. अब आप लोगों को अच्छी अच्छी edited videos फटाफट देखने को मिलेंगी. So yeah, that's that. अब हम लोग जाएंगे थोड़ा सा enjoy करने pool खेलने, and then उसके बाद हम लोग घर जाएंगे. And I have to complete a lot of shoot today. So I'll see you back at home now. Have the baby right here, isn't he so pretty? मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती इस टाइम पे. आई एम सो हैप्पी एंड इमोशनल एट द सेम मोमेंट. आई डिडंट व्लॉग मच इनसाइड द स्टोर बिकॉज आई वॉज वे टू ओवरवेल्म एंड एंक्शियस एट द सेम टाइम टू स्पीक एनी थिंग. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट माई लैपटॉप एंड गेट बैक होम. आई मीन इट इज़ अ स्मॉल अकम्पलिशमेंट, बट आई फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई फील लाइक इट इज़ जस्ट वन स्टेप क्लोजर टू माई बिग ड्रीम्स, बिग गोल्स, एंड it's a long way to go, but I feel very very good right now, and I really wanted to share this moment with you guys because it is a very very special moment for me. So I vlogged the entire thing and I hope you liked it. I'm not ending this vlog abhi because kal mere papa ka birthday and I'm planning to, you know, vlog the entire thing together. So yes, stay tuned to see what we got for him. So basically I got a watch for him kyunki wo kafi time se keh rahe the ki unko nayi watch chahiye. So I got a watch from Armani Exchange, another expensive purchase in the same day. Bahut zyada kharcha ho gaya and now I'm literally broke. कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि व्हाट वॉच वी गॉट, इफ ही लाइक्स इट और नॉट. एंड या आई वाज वेरी एक्साइटेड कि आज मैं अपनी सारी जो वीडियोस हैं वो नए लैपटॉप में ही एडिट करूंगी. ये वाला व्लॉग नए लैपटॉप पे एडिट करूंगी, बट ऐसा हो नहीं पाएगा बिकॉज मैकबुक प्रो में जो पोर्ट्स हैं वो यूएसबी पोर्ट्स नहीं है, दे आर सी टाइप पोर्ट्स एंड आई नीड टू गेट अ हब फॉर इट. तो मैंने जहाँ से लैपटॉप लिया था मैं वहीं से हब ले रही थी, बट उनके पास एक हब था जिसमें वन यूएसबी पोर्ट था एंड एक हब था जिसमें टू यूएसबी पोर्ट्स थे. तो मुझे मिनिमम थ्री तो चाहिए बिकॉज I have like two hard disks and then sometimes I need to connect my phone also. तो मुझे तीन पोर्ट्स तो चाहिए ही रहेंगे. तो फिर मैंने Amazon से ऑर्डर कर दिया एंड मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक वो डिलीवर हो जाएगा. सो या अब बस ये एक दो वीडियोज़
पुराने लैपटॉप में एडिट करके हम अपने पुराने लैपटॉप को गुड बाय बोल देंगे। तो जा रही हूँ डिनर बनाने, मैं अब आप लोगों को कल सुबह या शाम को ही मिलूंगी जब पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। बाय। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड अभी बज रहे हैं शाम के 7 एंड आई टोटली फॉरगॉट टू व्लॉग टुडे। आई वॉज लिटरली वेरी वेरी बिजी टुडे एंड मैं ऑफिस नहीं गई आज बिकॉज आई हैड सम अदर वर्क एंड ऑल्सो बिकॉज मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो भाई अकेले था घर पर, सो आई हैड टू स्टे बैक। सो या आई वॉज एडिटिंग द एंटायर डे एंड मेरे मैकबुक का अभी हब नहीं आया है, जो नया वाला मैकबुक है उसका, सो आई कुडंट एडिट ऑन दैट एंड आई वॉज रियली अपसेट अबाउट दैट। आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एडिट ऑन दैट टूडे बट वो तो आज नहीं कर पाई। सो आई वॉज एडिटिंग ऑन माई यू नो पुराना वाला लैपटॉप एंड यू गाइज नो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। सो पूरा दिन ही लग गया मुझे, सुबह बैठी थी मैं अराउंड 11-12 बजे बैठ गई थी एडिट करने एंड 7 बजे तक मैंने अपना ऑलमोस्ट सारा काम निपटा लिया है। थोड़ा बहुत जो भी बचा है मैं सोने से पहले पूरा करूँगी बट एज यू गाइज नो प्रॉबली दैट टुडे इज़ माई फादर्स बर्थडे, सो आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ डेकोरेशन हियर एंड आई डिड गेट हिम अ प्रेजेंट यस्टरडे थैंकफुली, वरना मैं आज तो बिल्कुल नहीं जा पाती, आज टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। सो या एंड ऑल्सो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का भी बर्थडे है तो इफ़ यू आर वॉचिंग हैप्पी बर्थडे टू यू टू, वो है नहीं अभी यहाँ पे, सो वील सेलिब्रेट हर बर्थडे अ बिट लेटर एंड आई डोंट नो इन दो लोगों का बर्थडे है बट बर्थडे डिप्रेस मुझे हो रहा है, डोंट नो वाई आई एम वेरी वेरी एंग्शियस फॉर वेरी वियर्ड अननोन रीजंस एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, सो आई एम फीलिंग वेरी वेरी लो टुडे एंड ये भी एक रीज़न था कि मैंने व्लॉग नहीं किया, मतलब व्लॉग करने का मुझे याद ही नहीं आया। बट या आप कल से फिर से ऑफिस जाना है सो आई थिंक आई एंड दिस व्लॉग राइट हियर इट्सेल्फ बट आई शो यू व्हाट आई गॉट फॉर माई फादर जस्ट अ मिनट। सो दिस इज व्हाट आई गॉट फॉर हिम, ये है एक अरमानी एक्सचेंज की वॉच, सो ही वॉन्टेड अ वॉच फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम बट हम लोग जाके ला ही नहीं पा रहे थे, वो डिले होता गया। So man said it would be the perfect gift for his birthday and I'll show you what the watch looks like. So my father usually wear watches gold and silver tones mein but hum log thoda different lana chahte the last year. एक बार पहले भी मैं उनके लिए वॉच लेके आई थी तो आई गॉट अ ब्लैक वॉच और वो जाके रिटर्न करके आ गए, सो आई न्यू कि ही डिडंट लाइक ब्लैक वॉचेस, तो इसलिए मैं इस बार ये गन मेटल शेड में लेके आई हूँ। सो दिस इज़ व्हाट द वॉच लुक्स लाइक, दिस इज़ व्हाट द वॉच लुक्स लाइक, आई मीन आई रियली लाइक इट, बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेट्स सी इफ ही लाइक्स इट और नॉट। एंड दो दिन का इस पर रिटर्न वगैरह का भी है, मतलब रिटर्न नहीं एक्सचेंज का है 2 दिन पे, तो अगर उनको पसंद नहीं आती है तो फिर हम लोग कल जाके इसको एक्सचेंज करवा लेंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रॉबिबिलिटी है बिकॉज मैंने उनको कुछ साल पहले भी एक वॉच गिफ्ट करी थी एंड वो जाके रिटर्न करके एक्सचेंज करके आ गए थे। बट या एनीवेज ठीक है, एटलीस्ट आई जस्ट वांटेड टू गिव हिम अ वॉच एंड अपनी पसंद से ही ले लेंगे, अगर नहीं पसंद आई तो दैट्स दैट। सो या दिस इज़ आर गिफ्ट फॉर हिम, हिज बर्थडे गिफ्ट। आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। आई थिंक मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन लग रही है एंड मैं बहुत ही ज़्यादा धीमी बात कर रही हूँ बट आई डोंट नो, आई जस्ट फील वेरी वेरी लो and I don't feel like continuing the vlog further for 2 reasons. Firstly because I am feeling very very low and I just don't feel like talking and also because मेरे मम्मी पापा अभी travel करके आ रहे हैं, उनकी train है अभी 1-2 घंटे में वो लोग पहुँचने वाले होंगे, तो इतनी बड़ी train journey के बाद I don't think they would be interested in even clicking photos let apart the video and vlog. तो एनीवेज उसका कोई पॉइंट नहीं है अभी वेट करने का, आई जस्ट शो यू गाइज अ लिटिल बिट अराउंड व्हाट आई हैव डन। सो यहाँ पे ऐसे मैंने किया एंड देन हियर वी हैव अ लॉट ऑफ बलून्स, लाइक आई रियली लाइक डूइंग ऑल दिस, लाइक बर्थडे है तो डेकोरेशन इज नेसेसरी, इट शुड लुक लाइक बर्थडे। सो या दिस इज ऑल दैट आई हैव डन, आई होप ही लाइक्स इट एंड कॉमेंट में बताओ डिड यू लाइक ऑल ऑफ दिस एंड या आई एंड दिस ब्लॉग राइट हियर इट्सेल्फ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो, नीचे कॉमेंट्स करना, काफ़ी सारे हार्ट्स छोड़ना एंड या आई जस्ट होप यू कीप ऑन ग्रोइंग लाइक दिस एंड अचीविंग माइल स्टोन्स, अचीविंग ड्रीम्स गोल्स एंड ऑल दैट, कीप मैनिफेस्टिंग। मैंने मैनिफेस्ट करके काफ़ी चीज़ें पूरी करी हैं, सो आई एम अ बिलीवर। सो या आप भी मैनिफेस्ट करना शुरू करो, आपके ड्रीम्स भी पूरे होंगे। सो या ऑन दैट नोट आई विल एंड टुडेज ब्लॉग, आई होप यू लाइक इट, हिट दैट लाइक बटन एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो एंड नाउ आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।